दर्शकों नमस्कार और स्वागत है अरुण भूमि न्यूज़ चैनल पे आप सभी को। और आप सब देख सकता है हमारे बैकग्राउंड में जो आई लव दापुरजो लीक करके जो है एक बड़ा सा अक्षर में जो मिडिल ऑफ दापुरजो में दापुरजो टाउन के जो मिडिल में है जो इस स्ट्रीट हाईवे स्ट्रीट में एक छोटा सा पार्क जो है स्ट्रीट पार्क के जैसे जो है डीसी तालोपोटम जी जब दापुरजो पे थे उन्होंने जो है यहाँ पे मिडिल ऑफ द दापुरजो टाउन में जो है एक छोटा सा एक पार्क जैसे जो है बनवाया गया था। तो उसको आप देख सकता है यहाँ अभी जितने भी इस तरफ कैमरा पर्सन से मैं कहूँ इस तरफ थोड़ा फोकस कीजिए तो इस तरफ आप देख सकता है जो पूरा जंगल पड़ा हुआ है। तो इसका कोई देख रेख करने वाला केयर टेकिंग करने वाला नहीं है। तो उसको देखते हुए जो यहाँ के अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के अंडर में कुछ अब बैनर पे देख सकता है जो मोपुम आने पीएलए बोल करके जो है एक हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने जो है यहाँ पे एक दिन का जो है सोशल सर्विस करने का जो है एक कार्यक्रम बनाया गया है। तो आप देख सकता है यहाँ पे इस तरफ बहुत जंगल है और अभी जो मेरे बैकग्राउंड में आप लोग देख सकते हैं यहाँ कई नारियां है जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के सेल्फ हेल्प ग्रुप में से उन लोग जो है यहाँ पे आज हल्का हल्का बारिश भी हो रहा है लेकिन इन लोगों ने जो है इस छोटे से स्ट्रीट पार्क को जो है साफ सफाई करने का जो है तान लिया है। तो अभी जो है हल्का फुल्का बारिश में भी जो ये लोग जो है जी जान लगा कर जो है अपना जो है टारगेट को जो है पूरा करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो इन सब से फिर जानते हैं कि इसका मकसद क्या है, क्यों जो है इसको सोशल सर्विस करने के लिए जो है साफ सफाई करने के लिए आज के दिन चुना गया है। तो उससे उन लोगों से ही जो उन लोगों के जुबानी से ही जानते हैं। तो आप सब जो है हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए हम सीधा जानते हैं यहाँ के जो पीएलएफ के मेंबर्स से आज का जो सोशल सर्विस को लेकर के जो है उनका मकसद क्या रहा होगा और दिखाना क्या चाहता है इनको जो है मैं उनसे सीधा पूछते हैं जो काम करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मिसेस रीना बासर गुसर है और मोपो मान्य पीएलएफ के हम अभी प्रेसिडेंट है और अभी इसको हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो सोशल सर्विस हम लोग का फर्स्ट एवर सोशल सर्विस है। तो आप लोग जो आज काम करने का मकसद क्या है? सबसे फर्स्ट तो हम फर्स्ट से बोलेगा सबसे फर्स्ट हम लोग का फॉर्मर डीसी जो पहले इलेक्शन का समय में आया था तालोपतुंग सर जी उसने और चंग ग्रुप ने मिलके ये हम लोग को छोटा सा एक फर्क एज ए गिफ्ट का तरफ से हम लोग बोलेगा दापोरिजो को एक गिफ्ट दिया इतना सुंदर फर्क गिफ्ट दिया था। तो जितना नया नया में देखा तो बहुत सुंदर था बहुत फ्रेश क्लीन पर दिन ब दिन देखते यहाँ से गुजरते जा रहे तो पूरा घास पूरा उठ के जंगल हो गया तो देख के बहुत दुख लगा है ना। चलो हम लोग को इतना अच्छा गिफ्ट दिया तो उसको हम लोग सोचा है कि प्रिजर्व करना चाहिए सुंदर से साफ सुथरा रखना चाहिए सोच के हम लोग इसको आज सोशल सर्विस कर रहे हैं ना। और आपके ये मीडिया के माध्यम से हम लोग आप लोग का अरुण भूमि को धन्यवाद करते हुए आप लोग का मीडिया के माध्यम से हम जितना भी हम लोग का बाकी जितना आपका व्यूवर्स है सभी को हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते हैं कि आप लोग भी आगे आइए क्लीन रखने के लिए अपना आसपास का जितना भी माहौल है आप लोग एक हिस्सा बनिए साफ सुथरा रखने के लिए ना कि गंदगी फैलाने में हिस्सेदार ना बनिए बोल के हम आप लोग से वही रिक्वेस्ट करता है। और आज का वही मेरा वो है हम लोग को जैसे कि दापोरिजो को सबसे डर्टीस्ट डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है तो आगे चल के फ्यूचर में ये चीज़ ना आए और हम लोग का दापो भी एक साफ सुथरा में काउंट हो वही हम लोग आशा करता है और आप लोग से भी वही उम्मीद करता है कि जितना भी व्यूअर्स है आप लोग जैसे भी आप लोग आगे आइए और सिर्फ एक का जिम्मेदारी नहीं है आप लोग सब दापोवासी का जिम्मेदारी है। और चलो लगे हाथ हम ये भी बोल देते हैं कि दापोवासी और जितना भी है आप लोग जैसे कि आप लोग डिपार्टमेंट में या जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेगा हम लोग का स्कूल में और मेडिकल में जाने से आप लोग गंदगी फैलाता है उसको भी हम आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप लोग ऐसे मत कीजिए आप लोग गंदगी फैलाने में हिस्सेदार मत बनिए आप लोग साफ सुथरा रखने में हिस्सेदार बनिए। और आप लोग जरूरी नहीं आप लोग ये सब मतलब जैसे तू को फेंकता है ये सब मत फेंकिए ना गंदगी मत कीजिए क्योंकि ये आप ही का प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट ने दिया है इसको आप लोग ही प्रिजर्व करके रखना है ये हम लोग पब्लिक का पर्स है पब्लिक आदमी का पर्स है कि हम लोग इसको कैसे करके मेंटेन करना है साफ सुथरा रखना है। बस हम लोग का अरुण भूमि का चैनल का माध्यम से आप सभी को वही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग आसपास को अपना
इन्वायरमेंट को साफ सुथरा रखिए और पेड़ पौधा लगाइए। पेड़ पौधा कितना जरूरी है हम लोग के लिए, आजकल बच्चा बच्चा जानता है ना, तो जितना पेड़ पौधा लगाएगा उतना हम लोग का इन्वायरमेंट क्लीन होगा। थैंक यू। और एग्जैक्टली मैं आपसे जानना चाहूँगा जो आपका जो पीएलएफ का मतलब जो है, आप साधारण भाषा में आप थोड़ा बता दीजिए जो व्यूअर को। पीएलएफ हम लोग का एक्चुअली वो है, हम लोग का सेल्फ हेल्प ग्रुप है। हम लोग का ये पीएलएफ जो हम लोग का 8 एसएजी सेल्फ हेल्प ग्रुप से मिलके एक पीएलएफ बना है। तो हम लोग का पीएलएफ में ऐसे तो बहुत कुछ आता है ना, हम लोग का जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेके और बहुत से कुछ है जैसे आप लोग आगे जानने मिलेगा। तो बस हम उतना ही कहना चाहेगा कि हम लोग का पीएलएफ सेल्फ हेल्प ग्रुप का तरफ से हम लोग अवेयरनेस भी फैलाना है ना, सभी को एक दूसरे को मदद करना है। वही आपका नाम? मेरा नाम मिसेस येलर डुलम पाटर। आज जो है आप लोग जो यहाँ पे जो सोशल सर्विस कर रहा है तो उसको लेकर के जो है आप क्या सोच रखते हैं? हम लोग का सोच हुई है कि अभी ये हम लोग का डीसी सर तलो पटुम जी आया था, तो हम लोग का यहाँ का दापोरिजो को सब इतना लीड एंड क्लीन से इतना अच्छा से हम लोग को ये क्लीन अप करने के लिए हम लोग को यहाँ से बैठने के लिए बना दिया है। तो इसलिए हम भी यही चाहते हैं पब्लिक लोग को भी, क्योंकि आप लोग भी हम लोग जैसे गैदरिंग करके आप समाज सेवा कर रहे हैं, आप लोग भी कीजिए शायद ना, क्योंकि करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि गंदगी को जहाँ तहाँ में भी आप लोग भी मत फैलाइए, क्योंकि हम लोग भी यही चाहते हैं। क्योंकि उन पेलेप मुकुम आनर का तरफ से ना हम लोग ये सब गैदरिंग करके हम लोग कर रहे हैं इसलिए, और हम लोग पब्लिक को भी यही एनर्ज करता है कि आप लोग भी प्लीज़ यही कीजिए, क्योंकि हम लोग पूरा गंदगी को हटाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग भी जगह जगह में आप लोग भी ऐसे मत कीजिए, हम समाज को और पब्लिक को दापोरिजो का आनर और आप लोग को भैया अच्छे लोग को भी हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। थैंक यू। वैसे ये सिर्फ नहीं है जो दापोरिजो का गली गली में जो गंदगी देखने को मिलता है, तो इसको देख के जो है आपका सोच क्या है? और हम तो यही सोचता है, हम लोग का अपर सुबनसिरी दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट का यही पब्लिक ग्रुप को मैं अपील करता हूँ कि आप लोग भी शायद कहीं जगह में भी, फॉर एग्जांपल आपका थावांग बोलो और कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट का बोलो, वहाँ में हम लोग देखता है सब लोग का पब्लिक को देखने से इतना मतलब ये हर चीज़ को मतलब ये यूनिटी होके काम को चलाता है। हम भी सोचते हैं हम लोग का अपर सुबनसिरी दापोरिजो डिस्ट्रिक्ट का भी ना सब लोग ऐसे ही करे और ऐसे ही रहे, और जितना भी अभी तो मैक्सिमम आपका टीनेज ग्रुप लोग का बच्चा लोग का भी क्या 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 खा के पी पा के कहीं कहीं जगह जगह में रास्ता को ये गंदगी को फैलाता है, वो चीज़ के लिए भी आप लोग भी हम भी सोचता है ऐसे ना हो ना, इसलिए हम भी यही अपील करता है। हम लोग का जहाँ डिस्ट्रिक्ट जहाँ कौन क्लीन अप करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है, हम लोग का दापोरिजो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट भी यही ऐसे ही काम को करना है सोच के मेरा मुपुम आना पीएलएफ का तरफ से मैं यही अपील करती हूँ। लास्टली हम धन्यवाद करना चाहती हूँ ये हम लोग का जो ये पार्क को जो इनिशिएट करने वाला हम लोग का चांग ग्रुप का ये चांग ग्रुप का मेंबर्स लोग को जो जिसको लीड कर रहे हैं हम लोग का ब्रदर ये राघव दुचोक जी, और उसके बाद हम लोग का जो परमर डीसी है तालो पाटुम जो था तालो पाटुम सर जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं ये छोटा सा इस गिफ्ट के लिए ना, इतना अच्छा से आप इनिशिएट किया है ये पार्क को दिया है उसके लिए। हम लोग जितना भी मोपुम पीएलएफ का तरफ से हम लोग ये आपका ये चैनल को भी जो कि है अरुण भूमि उसको भी हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आपका माध्यम से हम लोग का बात सभी देशवासियों को पहुँचेगा, और वो लोग भी आशा करते हैं कि वो लोग भी आगे इनिशिएट स्टेप उठाएगा और अपना आसपास एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखेगा। धन्यवाद। ठीक है, यहाँ पे देख सीधा आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन से कहूँ या आप सीधा के लिए, मतलब ये जो पार्क था पूरा जंगल भरा हुआ था, तो उनको जो है आप यहाँ के जो मोपुमाना सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरफ से जो है आज सुबह 5 बजे से, जो बरसात भी हो रहा है लेकिन सुबह 5 बजे से जो है उन लोग ने यहाँ के साफ सफाई शुरू किया है। आप देख सकता है कैमरा पर्सन से मैं कहूँ यहाँ पे जितना साफ किया है, जो यहाँ जो छोटा सा स्ट्रीट पार्क को जो है साफ सफाई करने में जो है मोपुम आनर पीएलएफ ग्रुप जो है कड़ी मेहनत कर रहा है। तो इसके साथ साथ मैं जनता से मैं यही एक कहना चाहूंगा, हमारे अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो है कई एनजीओ है, कई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, कई जो है क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही साथ और कई एक ऐसे यूथ बहुत सा एक फोरम है जो अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में, और साथ में देखा जाए तो कॉलोनी कॉलोनी में भी जो है एसोसिएट होते हैं मार्केट लेवल जहां पे भी, जो इस एसोसिएशन जो भी ग्रुप है जो भी एसोसिएशन है, अगर आप सब जो है हाथ बताने लग जाएगा तो अपर सुबनसिरी के हेडक्वार्टर दापोरिजो टाउन को जो है
सुंदरता में बदल सकता है। जैसे कि आप अरुणाचल में हमारे सीएम साहब भी कई बार जो है जिक्र कर चुका है, अरुणाचल प्रदेश में द्वितीय टाउन अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के दापोरिजो को जो है कहा जाता है। तो इस द्वितीयनेस को जो है ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप के तरह कोई भी एनजीओ हो, आप सब जो है हाथ बता के इंडिविजुअल भी अगर हाथ बताने लग जाए तो दापोरिजो का दापोरिजो को जो है सुंदरता बनाने में समय नहीं लगेगा। यही है जो यहाँ के सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो सोशल सर्विस को देख करके जो है हमने जो सोचा कि अगर वुमेन ग्रुप अगर इतना बड़ा सोच करके जो है यहाँ पे साफ सफाई दापोरिजो को साफ सफाई के लिए अगर आगे आ रहा है तो उसको जो है आप सब तक जो है कवर पहुंचाना और दिखाना जो है हमारा जो है फर्ज होता है। तो इसीलिए जो भी अरुण भूमि न्यूज चैनल को देखे है और जितने भी जो है व्यूअर है जो इस सोशल सर्विस को देख रहा है, आप लोग जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। सिर्फ दापोरिजो टाउन का ही नहीं, जो अरुणाचल के हर क्षेत्र में जो है ऐसे ही सोशल सर्विस एवं जो है अपना एरिया को, अपना कॉलोनी को, अपना घर को, अपना टाउन को जो है, अपना डिस्ट्रिक्ट को जो है क्लीन रखने के लिए जो है ऐसे ही मुहिम जो है चेरने की कोशिश करते रहना चाहिए। और मैं पर्टिकुलरली अगर अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट और दापोरिजो का जनता को मैं बार बार अपील करता हूँ, जो द्वितीय टाउन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो टैग को जो हटाने के लिए जो आप सबको फ्रंट में आना होगा और ऐसे ही छोटा छोटा मुहिम जो है हम सब समाज के बीच में जो हो उठाना होगा। तो इसी अपील के साथ जो है मैं आप सबसे मैं विदा लेना चाहूंगा। जो जो अरुण भूमि न्यूज चैनल के साथ जुड़े हुए थे उन सबको मेरा धन्यवाद और आप सबको मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे खबर दिखाने की कोशिश करते रहेंगे। आप सब जो है हमेशा अरुण भूमि न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहिए। इन चंद शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।